पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पिछले दिनों एक इस्लामिक संगठन के लोगों द्वारा किए गए हमले से देश विदेश में सिख समुदाय में उबाल है, जिसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सिखों के समर्थन में आज सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था भी मैदान में उतर आया। कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पाकिस्तान को कड़ी हिदायत देते हुए कहा, असामाजिक तत्वों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुख्यालय पर आज सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने मुरादाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पदाधिकारियों ने मांग की है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सिखों के पवित्र धर्म स्थल ननकाना साहब जी गुरु नानक देव जी की पवित्र जन्म स्थल पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है? ये जो प्रांत लाहौर में पाकिस्तान के क्षेत्र है, उसमें एक गुरुद्वारा है ननकाना साहिब, उसमें जो असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ पत्थरबाजी जो हुई है, जिससे नुकसान हुआ है, इसके विरोध में आज हम ये ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दे रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे अल्पसंख्यक जो हैं वहाँ से सभी मिटते चले जा रहे हैं करके, और इस पर पाकिस्तान सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हम जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कराई जाए और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।